हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट टू हेल्थ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन सी मेडिसिन को कितनी मात्रा में खानी है, उसको खाने का क्या तरीका होता है, और मैं नई नई बीमारियों के बारे में बताता हूँ कि इस बीमारी से आप कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से दूसरों को भी कुछ सीखने को मिले, उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। आइए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फर्स्ट एड बॉक्स। जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स को हम अपने घर में किस तरीके से बना सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन को हम रख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अक्सर हमारे घर में या हमारे परिवार के सदस्य में कभी ऐसी कंडीशन आती है कि रात का समय है या कुछ ऐसा समय है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो हम उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उस बीमारी को तुरंत कंट्रोल कर सकें। उसके बाद अगर हमारे पास समय होता है तो हम जाकर चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। तो इस क्रम में अक्सर जो आने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि बुखार हो गया, बदन दर्द हो गया, चक्कर आ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, दस्त लग गई हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है या चोट लग गई है, तो इसको हमको तुरंत कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो बुखार के लिए आती है, फीवर के लिए आती है। इसके अंदर हम सबसे पहले एकमात्र दवा है पैरासीटामोल, उसका यूज हम कर सकते हैं। ये कई डोज में आती हैं, 500 एमजी में आती है, 650 एमजी में आती हैं, तथा इसके अलग अलग भी कई सारी डोजेज हैं। तो अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हो, आपको लग रहा है कि उसको बुखार है, फीवर की शिकायत है, तो आप पैरासीटामोल को सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा बुखार है तो उसको 3 डोज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम इसको दे सकते हैं, तथा उसका फीवर तुरंत कम हो जाएगा। उसके बाद आप जाके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि किस वजह से इनको बुखार आया है। दूसरा है, अगर बदन दर्द हो रहा है और शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामोल के सामने नसेट्स का कॉम्बिनेशन आता है। नसेट्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके अंदर आते हैं एसिक्लोफेनेक आते हैं, डाइक्लोफेनेक आते हैं, कई सारे मेडिसिन आते हैं, मेफेनिक एसिड भी आती है जो पेट दर्द में काम देती है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को रख लीजिए। कॉम्बिफ्लेम नाम के भी इसका आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको आप लाके अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। अगर दर्द बुखार ज़्यादा है तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो हम, अगर हमारे पेट के अंदर फुलाव हो रहा है, गैस बन रही है, कच्ची डकारें आ रही हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उसके लिए आपको अपने पास पेंटाप्राजोल 40 mg, रेपेप्राजोल 20 mg और रेंटिडिन 150 mg की टैबलेट रखनी चाहिए। उसको आपको सुबह सुबह खाली पेट खा लेना है, जिसके साथ आपको दिन भर आपको गैस नहीं बनेगी और दिन भर आपको पेट रिलैक्स रहेगा। चौथी मेडिसिन हमारी है वो उल्टी के लिए है। अगर उल्टी लग की शिकायत हो रही है, मिचली हो रही है, तो आपको डोमपेरिडॉन नाम की टैबलेट आती है, ओंडन सेट्रॉन नाम की टैबलेट आती है, इसको आपको रखना ज़रूरी है ताकि अगर किसी को उल्टी मिचली की शिकायत हो तो आप इसकी एक गोली आप एडल्ट डोज में इसको आप दे सकते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो एडल्ट डोज के लिए बताई है, बच्चों की डोज के लिए मैं अब दूसरा वीडियो बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चौथी हमारी जो मेडिसिन है वो है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर हमको कब्ज की शिकायत है, हमारी लैट्रिन सही से नहीं हो रही है, टाइट हो रही है, तो उसके लिए एक सिरप आता है लैक्टुलोज, उसका यूज हम रात को गुनगुने पानी के साथ पी के कर सकते हैं, तथा एक जो टैबलेट आती है बीसाकोडिल, इसका यूज हम कर सकते हैं। इसकी एक गोली को लेना है रात को गुनगुने पानी से, इसको पी जाना है, सुबह आपको फ्रेश लैट्रिन होगी, आपको कब्ज से आराम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी पांचवी मेडिसिन है वो है एंटी एलर्जिक। अगर कोई कीड़ा काट लिया हो या कोई भी एलर्जिक हो गया, या हल्की फुल्की अगर हमको जुकाम की शिकायत है, हमारा गला में खराश हो गया है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आती है लियोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन नाम की टेबलेट आती है, इसको आपको रात में एक गोली खा लेनी होती है। अगली मेडिसिन जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आती है वो होती है दस्त के लिए। दस्त के लिए हम लोपेरामाइड नाम की टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा अगर आपको दस्त ज़्यादा ही हो रही है तो हमको इलेक्ट्रोल का घोल भी साथ साथ में समय समय पर थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए। और अगर काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो कृपया आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिस कारण हमको नॉर्मल सलाइन की बोतल चढ़ानी पड़ सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी क्रम में अगली जो हमारी आती है वो ऑइंटमेंट्स आते हैं कई सारे, जैसे कि अगर कहीं कट गया हो, कहीं चोट लग गई है, तो बेटाडिन नाम का ऑइंटमेंट हमको रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन भी आता है और ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है, तथा इसके साथ साथ एक ऑइंटमेंट आती है सिल्वर सल्फाडाइजिन,
के नाम से आती है, अगर हमारा शरीर जल गया है या कहीं फफोला पड़ गया है तो इसका इस्तेमाल उसमें कर लेना चाहिए, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तीसरी हमारी ऑइंटमेंट है वो एंटी फंगल के लिए होती है, अगर कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया हमारे शरीर में, खुजली हो रही है, दाद हो गया है, तो उस जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी फर्स्ट एड जो मेडिसिन होती है उसके बारे में, अगर हमको कभी चोट वोट लग जाए और कभी ड्रेसिंग की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए हमको कौन कौन सा मेडिसिन या कौन कौन सी चीज़ें उसमें रखनी पड़ती है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसका आप एक अलग से फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर आप सबसे पहले बैंडेड रख सकते हैं, जो पट्टी होती है वो रख सकते हैं, रोलर बैंडेज रख सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाली, तथा साथ साथ बेटाडीन क्रीम रखना है, बेटाडीन ऑइंटमेंट रखना है, सॉल्यूशन रखना है, और स्प्रिट की बोतल रखनी है। घाव साफ़ करने के लिए सेप्टिक जो डिटॉल होता है उसे घाव को साफ़ कर लिया जाता है, तथा साथ ही साथ इसके अंदर स्प्लिंट आती हैं जो लकड़ी के पट्टे टाइप के आते हैं, कई आकार के आते हैं, उसको भी रखना जरूरी है। कभी हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो तुरंत हम उसको किसी भी एंगल से बांध के उसको लपेट के तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो थी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में, इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताएं हमको, तथा और फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में और जो मेरी पुरानी वीडियो के बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।